निदा फाजली का एक शेर है, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक सांस न टूटे जिए जाना चाहिए। इन्हीं बातों को क्या खूब सच करते हैं ये पहाड़, जहाँ आने के बाद तो ऐसा लगता है यहाँ से कभी जाने को कोई ना कहे, कोई ना बुलाए हमें वापस। हे गाइस, भाई अब हमारा सफर शुरू हो रहा है फाइनली स्पीति के लिए। जिस होटल में हम लोग रुके थे बड़ा शानदार था, बहुत मजा आया, पर अब हम चंडीगढ़ से निकल रहे हैं नारकंडा के लिए। गर्मी बहुत है, सफर बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, पर समय बहुत ज्यादा लगने वाला है क्योंकि पहाड़ों पे जा रहे हैं भाई। और चंडीगढ़ की खास बात पता क्या है, यहाँ की गर्मी यार, अरे बाप रे, जलाने वाली है बिल्कुल भी। खैर, आपको इस ट्रिप में मजा आने वाला है क्योंकि हमें मजा आने वाला है और हम आपको वो मजा देना चाहते हैं भाई। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, जाइएगा मत, नारकंडा पहुंच करके आपको वहाँ का सारा व्यू दिखाने वाले हैं हम। चंडीगढ़ में ना अगर ऐसे ट्रैफिक सिग्नल पे आप खड़े हैं और गर्मी बहुत तेज है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे माइक्रोवेव में हम लोग रख दिए गए हैं और सामने टाइमर लगा हुआ है कि इतने सेकंड के बाद ये बंद हो जाएगा। सी 51 सेकंड अभी है, 50 सेकंड। हाँ हाँ, सब गंदगी पड़ी रहती है। फोटो लेनी पाजी, एक ले लो जी, ले लो पाजी। क्या नाम है आपका? दिवेंद्र राणा। आप हमें ना DM करिएगा टैग करके। ठीक है जी। हाँ मिलते हैं फिर। एक ना वो होता है जैसे कोलैबोरेटर ऑन करते हैं। हाँ करते हैं। हाँ आप करिए क्या करते हैं? बना के एडिट करके फिर करते हैं। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है, मुलाकात होती है। ओके, थैंक यू सर। नारकंडा 90 किलोमीटर। नारकंडा यहाँ से 90 किलोमीटर है, पर व्यूज ऑसम से दिखने शुरू हो गए। नमस्ते शिमला जी, आप शिमला मिर्च की पकौड़ी खाएंगे यहाँ पे? तभी खाने आए हैं भाई, पीछे पूरे दिल्ली नोएडा का पूरा लगी है गाड़ियाँ लाइन से, और वो अभी भी जाम लगा हुआ, पूरा निकल नहीं पाए हम लोग बाइक से ही। सोचिए ना, कोई UP-35 की गाड़ी लखनऊ वाले। अरे चुनू मार, एक पाउडर काले रंग का। शिमला पा रुके, शिमला में ही रुके हुए हैं। मशोबरा वाला जाने वाला जो रास्ता है उससे थोड़ा सा पहले रुके हुए हैं। बहुत भूख लगी थी यार, 3 बजे के आसपास आ रहा है लंच का टाइम। जो मिली हमारा कितने बजे होता है? 1 बजे के आसपास, 2 घंटा ऑलरेडी लेट है। ब्रेकफास्ट भी बहुत ज़्यादा भारी नहीं किया था, बिकॉज मन नहीं था। इतनी बढ़िया भूख लगी थी ना, और उसके बाद इतने थोड़ा सा इंतज़ार करा, लेकिन आ गया फाइनली हमारा राजमा। लास्ट राजमा चावल ऐसे खरीद के हम लोगों ने पता है कब खाया था? जब बनिहाल से लौट रहे थे, मतलब वहाँ से कश्मीर से लौट रहे थे, तो रास्ते में बनिहाल एक जगह पड़ती है, वहाँ पे बहुत फेमस राजमा चावल है, घी वाले, देसी घी वाले, वो खाए थे, बहुत मज़ा आया। लंच कर लिया, बहुत जोरों की भूख लगी थी और बहुत ज़रूरी भी है भाई, एनर्जी भी तो चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। तो लगभग 1.25 घंटे का रास्ता है कि शिमला से हम कुफरी की तरफ मशोबरा होते हुए बढ़ रहे हैं। नारकंडा भी हमें इसी रास्ते से ही जाना है। तो पता है, ये पेड़ पौधों से घिरा हुआ है, मतलब बड़े बड़े पाइन ट्रीज से घिरा हुआ है ये रास्ता। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ से, मतलब एक होती ना जंगल की खुशबू, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, और व्यू भी बहुत सुंदर है यहाँ से। नारकंडा की तरफ बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें एप्पल फार्म्स देखने को मिलेंगे। तो अब ऐसे देखें तो ये सारी एप्पल फार्मिंग हो रखी है यहाँ पे। ये जो सामने पूरा जाली सी दिख रही है हल्की हल्की सी, ये सब ढक रखे हैं, एप्पल हैं ये सब, ये ढके हुए हैं ओस वगैरह से।
तो नारकंडा इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस और ये एक तरह से गेटवे भी बोल सकते हैं स्पीति राइड के लिए। जब भी स्पीति आते हैं तो शिमला दिल्ली से सीधे कई लोग नारकंडा ही रुकते हैं, शिमला जो नहीं रुकते आगे आ जाते हैं तो नारकंडा रुक जाते हैं। इस वजह से नारकंडा में भी बहुत सारी रुकने की जगह बनी हुई है। यहाँ पे जहाँ हमें रुकना है वो 46 मिनट्स दिखा रहे हैं यहाँ से, दैट मीन्स 23-24 किलोमीटर होगा। यहाँ पास से देखने को मिल रहे हैं ये ऐसे छाया बना रखी है जाली की कि मे बी शायद उनको वो डैमेज ना हो, शायद इसलिए वजह से होगा। वाह यार ये तो बहुत सुंदर सुंदर से फूल निकले हुए हैं रास्ते भर में। गुड गुड। अब हम लोग अपने होमस्टे की तरफ बढ़ रहे हैं, नारकंडा की तरफ। बहुत सुंदर है नारकंडा, लोग बड़ी तारीफ करते हैं इस जगह की। रोड्स भी बहुत बहुत मज़ेदार रोड्स हैं। नहीं बहुत सुंदर है ये। वाओ खाना खा लिया तो अब डकार आ रही है भाई। नारकंडा पहुंच गए, रूम पे पहुंच गए। रूम में पहुंचने के बाद मैंने ना सबसे पहले कैमरा शूट नहीं किया, मैंने क्या किया सबसे पहले ना ये तो रूम जैसा रूम है ठीक ठाक। उसके बाद वो देखो हॉकी फील्ड है वहाँ ना, हॉकी वहाँ पर एक्चुअली हॉकी क्या फुटबॉल खेल रहे बच्चे, नहीं हॉकी खेल रहे हैं, हॉकी सॉरी मैं फुटबॉल मान रहा था, बट बच्चे हॉकी खेल रहे हैं वहाँ पे। तो ना इसका और अच्छा व्यू मैं दिखाता हूँ आपको अपने ड्रोन से। मैंने पता है ऐसा रिस्क लिया है, क्या बताऊँ, तो मैंने ऐसा रिस्क लिया, मैंने अपना ना ड्रोन इतनी छोटी सी एंट्री से लेके अंदर आ रहा था यार, यहाँ तक आ गया था, मैंने हाथ से पकड़ने की कोशिश की तो वो ऊपर भाग गया और फिर वो जाके इस दीवार में लड़ गया, जा करके यहाँ पर लड़ाया मैं क्या उसे, यहीं कहीं इसी जगह पर लड़ाया, लड़ाई है और वो गिर पड़ा। और अब पता है क्या हुआ, ये देखो इसके ये क्या कहते हैं उसको, प्रोपेलर्स टूट गए। ये दोनों तो ठीक है, ये दोनों भी ऑलमोस्ट ठीक हैं, बट ये दोनों में ज़्यादा दिक्कत आई है। एनीवे मेरे पास एक्स्ट्रा है, मैं वो चेंज करके चला लूँगा। ऑल गुड। तो ये भाई नारकंडा यहाँ पर आ गए हैं, बहुत अच्छा सा यहाँ पर आई गेस सनसेट देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मीनवाइल व्यू तो देख ही सकते हो आप लोग, क्या गजब का व्यू है। सिर्फ इस व्यू की वजह से ये वाला जीने का मतलब कह दिया, ओ क्या कहूँ आँखों ने मेरी सब कह दिया, तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर, तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा, तेरा हो या इस तरह के रंग लग गया इश्क दा। कल यहां से स्टार्ट करेंगे आगे स्पीति के लिए। मीनवाइल अभी मैं जरा इसकी रिपेयरिंग कर लूँ। टिल देन बने रहिए वीडियो के साथ। वेल अब वीडियो का एंड करते हैं, आप फॉलो शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए बस।